नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण विश्वनाथ अब आपको हिंदी में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सोचता हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह बीमारी आम जनता में आम तौर पर देखी जाती है। इसके कई मरीज आम जनता में देखे जाते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के जो मरीज़ होते हैं, यह विशेषकर सीने में, छाती में जलन लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। कई मरीजों को पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है, जलन होती है, पेट फूलता है और उसकी शिकायत लेकर यह डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। आम धारणा होती है कि यह गैस बदहजमी की वजह से होता है, गैस बनने से होता है, और यह धारणा लेकर मरीज कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, कई घरेलू उपाय करते रहते हैं और काफ़ी दिन इसमें निकाल देते हैं, काफ़ी दिन वेस्ट करते हैं इसमें। तो यह पेप्टिक अल्सर डिजीज़ यह काफ़ी कॉमन है, आम तौर पर यह जनता में देखी जाती है। कई बार मरीज़ प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर उन्हें एग्जामिन करते हैं, कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं, उनसे कह देते हैं आपके पेट में सूजन है, छाले हैं, इत्यादि इत्यादि वह कहकर मरीज़ को समझा देते हैं। मरीज दवाई लेता है, उसको थोड़े दिन के लिए आराम हो जाता है, फिर तकलीफ़ होती है, फिर जाता है, फिर आराम हो जाता है, इस तरह से चलता रहता है। हमारे पास अंत में वो आते हैं जब पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं समस्या लेकर के, और आते से ही एक चीज़ वो कहते हैं कि ये हमने फलां डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था आपके पेट में छाले हैं, आपके पेट में सूजन है। अब यह मेरी समझ से परे है कि कोई भी डॉक्टर को, किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर को यह छाले ऊपर से कैसे दिख जाते हैं, यह अल्सर कैसे दिख जाते हैं, सूजन कैसे दिख जाती है, यह जो चीज़ें होती हैं वह ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती। यह आप लोग समझें कि यह केवल समझाने का एक तरीका है और आपको इस तरह से समझा दिया जाता है। तो यह बीमारी काफ़ी कॉमन है। ईसोफेजाइटिस नाम की एक तकलीफ एसिड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर देखी गई है। इसमें जो खाने की नली होती है, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। यह एसिड ज़्यादा बनने की वजह से होती है। एसिड जो ज़्यादा बनता है, कई बार कुछ मरीजों में यह ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि खाने की नली का, आहार नली का जो नीचे का भाग होता है, जो आगे जाकर स्टमक में यानी कि आमाशय के अंदर जुड़ता है, इस भाग में यहाँ पर ढीलापन आ जाता है। उस ढीलेपन के आने से एसिड ऊपर की तरफ जाने लगता है खाने के साथ, और वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो यह तो एक कारण होता है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेजाइटिस। एक तरह की एसिड पेप्टिक डिजीज़ यह होती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है। दूसरी जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है, वो आमाशय में देखी जाती है। आमाशय में सूजन आ जाती है, आमाशय यहाँ पर होता है, आमाशय में सूजन आ जाती है। यह एक थैली होती है जिसमें आहार नली से खाना इस तरफ को आता है। इस आहार नली में एसिड अगर ज़्यादा निकलने लगे तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, उसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। अगर इस सूजन को प्रॉपर वे में ठीक तरह से इसका इलाज नहीं किया जाए, तो धीरे धीरे यहाँ पर घाव पैदा होने लगते हैं। घाव पैदा होने के बाद वह घाव काफ़ी डीप हो जाते हैं, जिसको कि हम अल्सर कहते हैं। तो ना तो सूजन, ना ही अल्सर ऊपर से दिखाई पड़ता है, ना कोई घाव ऊपर से दिखाई पड़ता है। इसके लिए विशेष तौर पर जांच की जाती है एंडोस्कोप के जरिए, जिसमें यह दिखाई पड़ता है। तो कोई भी अगर यह कहे कि आपको छाले हैं ऊपर से देखकर, तो वो मेरी समझ से परे है कि उसको कहाँ से दिख रहा है आर पार ऊपर से, ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो यह एक तरह की पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, जिसमें छाले पैदा हो जाते हैं, सूजन आ जाती है आमाशय के अंदर। फिर एक भाग होता है आंतों का ऊपर का, जो खाना आमाशय से आंतों में ले जाता है। इस भाग को हम बोलते हैं डियोडिनम। यह भाग जो होता है, इसके अंदर भी एसिड की वजह से छाले हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं डियोडिनल पेप्टिक अल्सर, डियोडिनाइटिस। अगर सूजन आती है तो हम उसको डियोडिनाइटिस बोलते हैं, और अगर वहाँ घाव हो जाए, छाला पड़ जाए, अल्सर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डियोडिनल अल्सर। उसी तरह से अगर पेट में घाव हो जाए तो उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इरोजन्स, और वह और भी ज़्यादा डीप हो जाए, छाले बन जाए, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर। अब यह जो बीमारियां होती हैं, ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, डियोडिनल अल्सर, यह मुख्य रूप से
किन लोगों में देखी जाती है? यह मुख्य रूप से उन लोगों में देखी जाती है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, एक। दूसरी चीज़ होती है तंबाकू, दो। तीसरी चीज़ होती है दर्द की दवाएं, दर्द निवारक दवाएं जो लंबे समय तक लेते हैं। कई बार एक गोली से भी यह हो जाता है अगर बिना कुछ खाए पिए लिया जाए। तो यह तीन चीज़ें होती हैं, अल्कोहल, दारू, इसकी वजह से भी यह होता है। तो यह तीन चार ऐसे कॉमन कॉजेस हैं जो इसको कॉमन बहुत ही साधारण तौर पर कॉमन कारण हैं जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ करते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो लोग दर्द निवारक दवाएं खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अत्यधिक मिर्च मसाले खाते हैं, जिन्हें होटलों में खाने का शौक होता है, ऐसे लोगों के अंदर जो आमाशय होता है, आमाशय का जो लाइनिंग होता है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, जो थैली का अंदर का लाइनिंग होता है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, उस म्यूकोसा की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो हमारे आमाशय को बचाती है, उसको डैमेज होता है, उसको नुकसान पहुंचता है इन चीज़ों से, स्मोकिंग से, अल्कोहल से, तंबाकू से, पान पराग और इस तरह के जो गुटखा उटका खाते हैं, सुपारी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें क्या होता है कि यह जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग अंदर की होती है, जो आमाशय एक थैली होती है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको ये डैमेज करते हैं। नॉर्मल प्रोटेक्टिव एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस कवरिंग। तो यह जो म्यूकस कवरिंग अंदर की होती है इसको यह डैमेज करती हैं चीज़ें। जब वो डैमेज होता है तो उसके अंदर जो साधारणता जो एसिड पाया जाता है स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर खाना पचाने के लिए, वह एसिड अंदर की तरफ जाने लगता है, थैली के अंदर के भाग की तरफ जाने लगता है और वहाँ जाकर वह घाव कर देता है। घाव होने से और एसिड निकलता है और ज़्यादा घाव बढ़ता है और इस तरह से यह बीमारी बढ़ती जाती है। यह भी देखा गया है एक तरह का बैक्टीरिया होता है उसको हम बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरा। यह जो बैक्टीरिया होता है, यह जो कीटाणु होता है, यह डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारी इंडिया की तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे आसपास की जो कंट्रीज़ है जिनको हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर यह कीटाणु एच पायलोरे साधारणतः स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर और आंत के ऊपरी भाग में पाया जाता है। और यह कीटाणु पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस यानी कि सूजन आमाशय में, ईसोफेजाइटिस यानी कि सूजन खाने की आहार नली में सूजन, इसका कारण भी मुख्य रूप से इन देशों में यह एक कारण पाया गया है। यह कीटाणु कई बार पेप्टिक अल्सर को आगे चलकर कैंसर में परिवर्तित कर देता है। कई बार अगर हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को ठीक तरह से ट्रीट ना करें, लंबे समय तक अपने खुद के उपाय करते रहें या छोटा मोटा कुछ उपाय करके हम उसको ट्रीट करते रहें अपने आप से, तो आगे चलकर यह कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है। यह देखा गया है कि जिन परिवारों के अंदर पिछली पीढ़ी के अंदर या साथ में जो मेंबर्स हैं उनके अंदर अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है या कैंसर की डिजीज़ है, तो खास कैंसर है तो खासकर उन्हें सावधान रहना चाहिए कि इस तरह के सिम्टम्स हों, बॉडी में वेट लॉस हो रहा हो या खून की उल्टी हो रही हो या लेटरिन में खून जा रहा हो, उन्हें सावधान होना चाहिए और एक प्रॉपर वे में इलाज लेना चाहिए। तो जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन तो मैंने आपको बताया, वह होता है कैंसर, अगर लंबे समय तक हम उसका सही ढंग से इलाज न करें तो। दूसरा उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वह होता है खून की उल्टियाँ। कई बार खून की उल्टी होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि अचानक शरीर में खून की कमी आ जाती है, हार्ट ठीक से काम नहीं करता, ब्रेन के अंदर ठीक से ब्लड नहीं जाता, गुर्दों में ठीक से ब्लड नहीं जाता, आदमी की कंडीशन, मरीज़ की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, उसको तत्काल अस्पताल में भर्ती करना बेहद ज़रूरी होता है। कई बार मरीजों को
अंदर खून का रिसाव होता रहता है, ऊपर से हमें मालूम नहीं पड़ता। केवल जो दस्त मरीज जाता है, जो लैट्रिन मरीज जाता है, स्टूल जो होता है, जो फीकल मैटर होता है, उसके अंदर कालापन आ जाता है, जैसे कि डामर, डामर की तरह लैट्रिन होने लगती है। फीकल मैटर डामर की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं मलीना। तो कभी भी मरीज को पेट में दर्द हो, जलन हो, उसके साथ खून की उल्टी हो रही हो या लैट्रिन काले रंग की हो रही हो, उसे तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कई बार खून का रिसाव इतना धीरे होता है कि मरीज को मालूम नहीं पड़ता। उस तरह के मरीजों को एनीमिया डेवलप हो जाता है, खून की कमी डेवलप हो जाती है। और वह अगर खून की कमी डेवलप हो इस तरह के सिम्टम्स के साथ, पेट में जलन, पेट में दर्द और साथ में खून की कमी हो, तो उन्हें तत्काल डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वह सही सलाह दे सकें और सही सलाह वह उनकी मरीज मान सके। तो इस तरह से दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वह खून का रिसाव होता है। तीसरी चीज़ जो होती है, एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन जो होता है, वह होता है पेप्टिक अल्सर का परफोरेशन, यानी कि फटना। अगर पेप्टिक अल्सर लंबे समय तक है तो कई बार वह फट जाता है और फटने से एसिड और जितने कीटाणु स्टमक में होते हैं, आमाशय में होते हैं, वह बाहर की तरफ अंदर पेट में फैल जाते हैं, जिसके कारण कि पेरिटोनाइटिस नाम की तकलीफ हो जाती है। और ऐसे मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कर उनका ऑपरेशन करना पड़ता है और जो जहाँ से लीकेज हुआ है, जहाँ से अल्सर फटा है, उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो ये खतरनाक कंडीशन होती है। तो मरीजों को, खासकर इस तरह के जो मरीज होते हैं स्टिक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के, उनको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो अपने डॉक्टरों से मिले। अगर मरीज को ऐसी एसिड पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ है या इस तरह के सिम्टम्स मरीज को हैं, पेट में जलन, पेट में दर्द, काले रंग के दस्त, खून की उल्टियाँ, इस तरह का हो रहा है, और डॉक्टर से वो मिलें, डॉक्टर का इलाज लें, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सिगरेट का सेवन अवॉइड करें, उसको छोड़ें, बीड़ी सिगरेट को, सुपारी छोड़ें, तंबाकू का सेवन ना करें, शराब को छोड़ें, अत्यधिक मिर्च मसालों का सेवन ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, उस तरह की ड्रिंक्स ना पिएं, और दर्द निवारक दवाएं हैं वह बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाएं। तो यह विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अगर किसी के परिवार में ऐसी हिस्ट्री है, ऐसा इतिहास है कि उसके घर में किसी को पेट का कैंसर है, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक है, कार्सिनोमा ऑफ डियोडिनम है, या किसी तरह का भी कोई कैंसर है, तो उसे विशेष तौर पर ध्यान रखना है, डॉक्टर से सलाह लेना है अगर ऐसा कुछ होता है। इस बीमारी का, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का ठीक से डायग्नोसिस हो, उसके लिए एंडोस्कोपी यानी कि दूरबीन के द्वारा पेट की जो जांच होती है वह अति आवश्यक होती है। उसके बिना किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऊपर से देखकर कोई भी डॉक्टर यह नहीं बता सकता कि अंदर अल्सर है या सूजन है या खून का रिसाव हो रहा है। यह बिना दूरबीन की जांच के, बिना एंडोस्कोपी के नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का समस्या हो, अपने डॉक्टर से मिलें, राय लें और ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको सही सलाह दे सके। धन्यवाद।